नमस्कार, मैं हूँ शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज के इस ताजातरीन खबर पर एक नजर। आज ललितपुर के घंटाघर चौराहे पर भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और भारत समाज पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में एक बृहद धरना प्रदर्शन शुरू किया गया, जिसमें थाना नाराहट अंतर्गत ग्राम बरौदिया के तमाम दलित समाज के लोग भी एकत्रित हुए। प्रदर्शन में लोगों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि पिछली 29 सितंबर की रात कुछ अराजक तत्वों ने ग्राम बरौदिया में बने संत रविदास जी की मूर्ति और चबूतरे को तोड़ दिया था। यह चबूतरा और मूर्ति सन 2007 में स्थापित की गई थी, जिसकी शिकायत थाना नाराहट और तहसील पाली के उपजिला अधिकारी से की गई थी, लेकिन उक्त मामले में प्रशासन द्वारा अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ना ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और ना ही उस स्थान पर दोबारा चबूतरा और मूर्ति स्थापित की गई, बल्कि प्रशासन द्वारा उल्टा समाज के लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने की धमकी देकर आवाज़ को दबाया जा रहा है। धरना प्रदर्शन कर रहे दोनों ही संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक खुद जिला अधिकारी ललितपुर आकर उनकी बात को नहीं सुनेंगे, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो इस धरना प्रदर्शन को आंदोलन का रूप दिया जाएगा। देखिए, थाना नाराट के ग्राम बरौदिया में 29 तारीख को दबंगों द्वारा संत श्रोमणी रविदास जी महाराज की मूर्ति एवं उनके चबूतरे को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिस हेतु प्रशासन को 29 तारीख से लगातार उनसे मुलाकात करके अवगत कराया जा रहा है। उच्च अधिकारी वहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन आज तक, आज 5 तारीख है, 5 अक्टूबर है, आज तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है, जिस हेतु भीम आर्मी भारत एकता मिशन एवं आज़ाद समाज पार्टी व बरौदिया ग्राम के संत श्रोमणी रविदास जी के अनुयायियों द्वारा आज घंटाघर पर बैठ करके धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और हमारी मांग है कि संत श्रोमणी रविदास जी का जो चबूतरा जिस स्थान पर बना था, उस स्थान पर हमारे चबूतरे का निर्माण होना चाहिए। संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज की मूर्ति की पुनः स्थापना की जानी चाहिए और हम लोगों का ये जो आंदोलन है आज का, हम लोग आज ये आंदोलन का ऐलान करते हैं कि अगर माननीय जिलाधिकारी महोदय खुद आकर के हम लोगों की मांगों को का आश्वासन नहीं देते हैं या हम लोगों को मांग को स्वीकार नहीं करते हैं, शाम तक का हम लोगों को इंतजार है। शाम के बाद बहुत बड़ा आंदोलन करने की हम लोग चेतावनी देते हैं, क्योंकि भीम आर्मी भारत एकता मिशन एवं आज़ाद समाज पार्टी इसके लिए कटिबद्ध है। महापुरुषों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर शासन प्रशासन हमारी बातों को मानता है तो हम धन्यवाद करते हैं, अगर नहीं मानता है तो ललितपुर बहुत बड़ा आंदोलन होगा और वो भी राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेशानुसार इस ललितपुर में आंदोलन होगा। जहाँ वो चबूतरा बना था किसकी जगह थी, ग्राम सभा की थी, किसकी थी, क्या है? 2007 से वहाँ पर चबूतरा है और अभी जो उसका नव उसको बड़ा आकार करके वहाँ के गांव के लोगों ने बनाया है, लेकिन दबंगों ने उसको मिटा दिया गया है। दबंगों ने यह करके कह के मिटाया कि जमीन हमारी है, तो हम लोगों ने उस बात को माना। जब उस बात को शासन के द्वारा उस जमीन की पैमाइश कराएगी तो वो जमीन ग्राम सभा की निकली, तो हमारा भी अब उस पर अधिकार है कि 2007 से अगर हमारा मंदिर वहाँ था, हमारा चबूतरा वहाँ था, संत श्रोमणी रविदास जी की मूर्ति वहाँ पर है, तो 2007 से है, तो आज हमारा अधिकार है कि जिस प्रकार से दबंगों ने हमारे संत रविदास जी के चबूतरे को मिटाया है, हमारा सरकार से निवेदन है कि हमारे चबूतरे को पुनः उसी जगह पर स्थापित किया जाए जो कि ग्राम सभा की जगह है। हम लोगों का भी अधिकार है, हम भी गाँव के वासी हैं, गांव के निवासी हैं, हम लोगों का अधिकार है कि हमें वहां पर संत श्रोमणी रविदास जी के चबूतरा बनाने की अनुमति दी जाए। और जिन लोगों ने हमारे महापुरुष का अपमान किया है, मूर्ति को तोड़ा है, चबूतरे को मिटाया है, सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि उन पर उचित धाराओं में उन पर मुकदमा दर्ज करके उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि गाँव के लोगों को, संत श्रोमणी रविदास जी के अनुयायियों को वहाँ पर लगातार जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं आरोपियों के द्वारा। तो मेरा निवेदन है कि उन पर भी तत्काल कार्रवाई हो और हमारे चबूतरा पुनः उसी स्थान पर उसका निर्माण हो। वहीं जब SDM पाली से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जांच के दौरान संबंधित स्थान पर सन 2007 से लेकर 29 सितंबर 2020 तक ना तो कोई चबूतरा था और ना ही कोई मूर्ति स्थापित थी। किसी ने रातों रात चबूतरा बनाकर मूर्ति स्थापित की होगी, जिसे कुछ लोगों ने तोड़ दिया होगा। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर मूर्ति और चबूतरे की बात की जा रही है, वह जमीन ग्राम सभा की है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में स्थानीय प्रशासन के सभी अधिकारियों जैसे पुलिस, लेखपाल, यहां तक कि प्रधान तक से जानकारी ली जा चुकी है। सभी अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में संबंधित स्थान पर
29 सितंबर 2020 तक कोई भी चबूतरा और मूर्ति ना होने की बात कही है। समाचार प्रसारित होने तक धरना प्रदर्शन जारी था। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। ऐसा कहना है कि रातों रात इन्होंने कोई चबूतरे का निर्माण किया था और इनका ये आरोप है, इस चबूतरे को किसी ने ध्वस्त कर दिया है, ठीक है, उसकी जांच के लिए बोल दिया गया, उसकी जांच कराई जा रही है। इनका ये कहना है कि कुछ चबूतरा का कोई अवशेष पहले से ही था वहाँ पर, जबकि ऐसा कोई वहाँ पर चबूतरा पहले का कुछ भी नहीं बना हुआ था, क्योंकि वहाँ के लेखपाल लिखित में दिया या सब कुछ नहीं था, वहाँ कानून लिखित में दिया, वहाँ कुछ नहीं था, वहाँ पे पुलिस ने वहाँ लिखित में दिया, वहाँ कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था। और सबसे बड़ी बात है, ग्राम प्रधान ने स्वयं लिखित में नरक थाने उसकी कॉपी है लिखित में दिया, 29 से पहले वहाँ कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था। रातों रात इन्होंने कुछ अराजक तत्वों ने उसे बनाने का प्रयास किया होगा, और जिसे सुबह सुबह जब रिपोर्ट आई तो वहाँ कुछ ईंटें पड़ी हुई दिखाई दी। अब ये किसने बनाया, किसने तोड़ा, इसकी जांच की जा रही है। इनकी मांग है कि सरकारी ज़मीन पर, ग्राम सभा की ज़मीन पर मंदिर को वहाँ चबूतरे का निर्माण कर दिया जाए संत रविदास की प्रतिमा रखने के लिए, जो संभव नहीं है, जो उनको समझाया जा चुका है। उसके अलावा इन्होंने कुछ लोगों पर आरोप लगाया, कुछ लोगों ने गाली गलौज दिया दूसरे पक्ष के लोगों ने, जिनकी एक मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। सीओ साहब उसकी विवेचना बकायदा कर रहे हैं। तो कानून का लीगली जो कुछ भी संभव है वो सारी चीज़ें की जा चुकी हैं। कल वहाँ मीटिंग हुई है बरौदिया में, सभी पक्षों को समझा लिया गया था। ये लोग वहाँ पे बैठे हुए धरने पे, वहाँ से उठ के अपने घर चले गए थे। सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी थी, फिर लगता है किसी ने इनको भड़का दिया या क्या हो गया, जो भी इनका कारण रहो, आज फिर आके यहाँ ये बैठ गए। जमीन से सरकारी है या जमीन पूरी तरह सरकारी है, ग्राम समाज की भूमि है। सर वहाँ कभी उसकी तारबंदी कर, सर वहाँ कभी मूर्ति थी पहले क्या? वहाँ पहले कभी भी मूर्ति नहीं थी, और वहाँ के लोगों के बयान भी है, लेखपाल ने भी बताया है, कानून ने बताया, पुलिस ने बताया, और ग्राम प्रधान ने लिखित में दिया है वहाँ पहले कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं। सर कितनी भूमि है? चबूतरा बना था सर, कितनी भूमि पूरा आंदोलन मैंने असंवैधानिक है, क्योंकि ग्राम समाज की भूमि पर हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, लीगली आपको कोई पता, ग्राम समाज की भूमि हम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।